वाहन चाहे दोपहिया हो या चार पहिया, आज के समय में वाहन हमारी मूल आवश्यकताओं में शुमार है, लेकिन यही वाहन अक्सर लोगों की मौत का कारण बन जाता है। इसकी वजह हम स्वयं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते, या फिर नशा करके वाहन चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए जानलेवा सिद्ध होता है। ऐसी ही तमाम जानकारियां सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन समारोह में उपस्थित अधिकारियों ने छात्र छात्राओं तथा उपस्थित आमजन को दी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में बीते 15 दिन से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा था, जिसका समापन समारोह आज एक शिक्षण संस्थान में उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा मनाया गया। समापन समारोह के कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी सदर फिरोजाबाद, क्षेत्राधिकारी यातायात, NCC कैडेट्स, AITU राजेश कर्दम आदि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा हमारा 17 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुआ, जिसका आज 31 जुलाई को समापन हुआ। इस संबंध में हम लोगों ने आज SRC एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम रखा बच्चों के साथ। इस जो पखवाड़ा था, इसमें परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग के द्वारा एक अच्छा कार्य जनपद फिरोजाबाद में किया गया, जिसमें जन जागरूकता अभियान, विरोधात्मक उपाय और इसके साथ साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई। इन पकवानों के माध्यम से हम लोगों ने आज अपने जो छात्र से उनसे भी ये अनुरोध किया और अपील की समाज के लोगों से भी कि यातायात के नियमों का वो लोग पालन करेंगे और जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं इसमें कमी लाने के लिए हम लोग संकल्प को लेकर इसमें प्रभावी रूप से कार्रवाई करें। सर, यातायात व्यवस्था देखिए, लगातार हम लोग अपने जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं या फिर यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन रहता है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जानकारी महोदय की अध्यक्षता में इसकी हम लोग मीटिंग भी होती है हम लोगों की, और उसमें हम लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में अब लोग जनपद फिरोजाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था और यातायात संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। मेरी सड़क स्वच्छा जो पखवाड़ा था 15 दिवसीय, उसका आज समापन समारोह हुआ और इस पखवाड़े में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिल करके इस पखवाड़े में जागरूकता कार्यक्रम चलाए। स्कूल कॉलेजों में भी हम लोगों ने मीटिंग्स की और उन्हें जो जागरूक कराया। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, जितने भी हमारे चाहे ऑटो एसोसिएशन हैं, ट्रक एसोसिएशन तक, इनके ड्राइवर के साथ भी मीटिंग हुई, उन्होंने भी नियमों के पालन के बारे में बताया गया। इस दौरान हम लोगों ने जो ट्रैफिक के कंजेशन पॉइंट थे और जहाँ पर रॉन्ग साइड से लोग चलते थे, जैसे आपका उदाहरण रूप में एक नगला भाव है, ऐसे स्थानों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया और वहाँ पर जो रॉन्ग साइड चलते थे जिसे हम लोगों ने बंद कराया है। इसके अतिरिक्त शहर में और अन्य जगहों पर जो भी हमारे ट्रैफिक के लिए चुनौतीपूर्ण पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तथा एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि एकल मार्ग बनवाया जाए जिससे कि इन लोगों को ट्रैफिक में कोई असुविधा ना हो। ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी जा करके एक अच्छी यातायात व्यवस्था संभव हो पाएगी।